चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का ये पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंस्टेटाइन। द स्मॉल इंस्टेटाइन इज़ अ हाईली क्वाइल्ड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंस्टेटाइन होता है वो बहुत हाईली क्वाइल्ड होता है, बहुत एक तरह से उसमें अलग अलग क्वाइल्ड होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा उसमें फोल्डिंग होता है। जिसका लेंथ कितना है स्मॉल इंस्टेटाइन का, तो 7.5 मीटर। इट रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज बिसाइड ऑल्सो सिक्रीट जूस। तो ये क्या करता है, ये जो भी लीवर हमारा जो सेक्रेट करता है जूस, और जो पैनक्रियाज जो जूस सेक्रेट करता है, उसके साथ साथ ये भी एक अपना जूस सेक्रेट करता है। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर क्या है, एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, जो कि सेचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ऑन द राइट साइड। ये एब्डोमन कैविटी, एब्डोमन किसको कहा जाता है, जो चेस्ट कैविटी होता है हमारा, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है राइट साइड में। इट इज़ ब्लू, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी क्या होता है, तो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो क्या होता है, तो उसको कहा जाता है लीवर। तो सबसे बड़ा ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वो क्या होता है, वो होता है लीवर। इट सीक्रेट द बाइल जूस, इट स्टोर एट द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो ये क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कि एक सैक में स्टोर रहता है, जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। बाइल जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है, तो ये डाइजेशन ऑफ फैट करने में मदद करता है। द पैनक्रियाज इज द लार्जेस्ट क्रीम कलर ग्लैंड सेचुएटेड बिलो द स्टमक। और पैनक्रियाज क्या होता है, एक लार्ज क्रीम लाइक कलर ग्लैंड होता है, जो कि स्टमक के नीचे होता है। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन एंड चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म। पैनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट पर फंक्शन करता है, फैट पर, प्रोटीन पर, और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच टू द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंस्टेटाइन इंस्टेटाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। अब ये जो फूड जो इस स्टमक से जो निकलेगा, जो पार्शियली डाइजेस्टेड, मतलब कि पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ हुआ, थोड़ा डाइजेशन होना जिसमें बचा है, तो उस तरह का फूड निकलेगा और कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंस्टेटाइन में। तो स्मॉल इंस्टेटाइन में कौन सा जूस सीक्रेट होता है, इंस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, जहाँ पर कि ऑल कंपोनेंट डाइजेशन कहाँ पर आगे कंप्लीट हो जाता है, तो डाइजेशन का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंस्टेटाइन में, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन इंटू द सिंपलर सुगर्स कॉल्ड ग्लूकोज फैट इंटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो अपने सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। डाइजेस्टेड फूड इज़ नाउ पासेस टू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंस्टेटाइन। तो जो भी फूड डाइजेस्टेड होकर आ जाता है स्मॉल इंस्टेटाइन में, तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू चला एब्जॉर्ब होता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंस्टेटाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। तो स्मॉल इंस्टेटाइन के इनर वॉल्स पर, जो अंदर का जो उसका वॉल होता है, उस पर थाउजेंड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको कहा जाता है विली, और सिंगुलर में विलस। तो विली क्या होते हैं, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उंगली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये हो गया स्मॉल इंस्टेटाइन का इनर वॉल, और यहाँ पर ऐसे स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। द विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विली का क्या फंक्शन होता है, कि ये डाइजेस्ट जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और उसका सर्फेस एरिया भी बढ़ाता है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सर्फेस। और प्रत्येक जो विलस है, यहाँ पर विली का सिंगुलर क्या होता है, विलस होता है, तो प्रत्येक जो विलस है उसमें जो नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का, और वो अटैच रहता है। द सर्फेस ऑफ विली इज़ एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और विली का जो सरफेस होता है, वो जो भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो गया है उसको उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेटेड विया द ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड यूज टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज
प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। अब जो भी मटेरियल, जो भी न्यूट्रिएंट विली जो ऑप्टेन करता है, जो भी मटेरियल वो एब्जॉर्व करता है, उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे ऑर्गन्स के पास भेज देता है, जिससे कि बॉडी का ग्रोथ होता है और जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है हमारे शरीर में उसका निर्माण होता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिलिमिनेशन। तो एसिलिमिनेशन क्या होता है? एक वैसा प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्व होता है विली के द्वारा और वो पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जिससे कि एनर्जी निकलता है। तो फूड से हम लोग को क्या मिलता है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे क्या, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग क्या पढ़े थे? ग्लूकोज पढ़े थे। तो ग्लूकोज क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। और उसके बाद फिर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिलीज होकर देते हैं हम लोग, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है, जो कि हम लोग अपने लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। द फूड डैट रिमेन अनडाइजेस्टेड अनऑब्जर्व इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड यहाँ से भी, जो मटेरियल जो अनवेस्टेड, अनऑब्जर्व, जो अन ऐसे मटेरियल जिनको एब्जॉर्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि वेस्टेज हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो माउथ से चलते चलते जो फूड है वो अब हमारा पहुंच गया है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका तो लेंथ बस केवल 1.5 मीटर होता है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका हम लोग कितना पढ़े थे? 7.5 मीटर। लेकिन इसको लार्ज क्यों कहा जाता है? इसको लार्ज इसलिए कहा जाता है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है, इसका जो चौड़ाई होता है, वो ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपेक्षा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इसका जो लेंथ होता है वो 1.5 मीटर होता है। इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और जो भी अनडाइजेस्टेड सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब ये करता है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग वेस्ट, जो भी बचा खुचा जो वेस्ट है, उसको ये पास कर देता है अपने आगे की पार्ट्स की ओर, जिसका नाम है रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन से फूड कहाँ पर चला जाता है? रेक्टम में चला जाता है। फूड क्या, जो भी वेस्टेज मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में चला जाता है। और उसके बाद वहाँ पर क्या बन जाता है? सेमी सॉलिड फीसेस बन जाता है, ठीक है, सेमी सॉलिड मटेरियल बन जाता है। और उसके बाद जो फीसियल मटेरियल है उसको हम लोग रिमूव करते हैं एनस के थ्रू टाइम टू टाइम, जिस प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। तो इजेशन क्या होता है? इजेशन या फिर इसको एक्सक्रिएशन भी कहा जाता है। तो इजेशन क्या होता है? वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग अपना जो भी वेस्टेज मटेरियल है, जो भी फीसेज मैटर है, उसको एनस के थ्रू टाइम टू टाइम रिमूव करते रहते हैं, एक्सक्रिएट करते रहते हैं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन।